ପଢଉଛି ହେବେ। वेलकम टू वानिक। नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता आप सभी का इस वानिक चैनल पे स्वागत करता हूँ। और कहते हैं आरजू होनी चाहिए किसी को याद करने की, लम्हे तो फुर्सत के मिल ही जाते हैं। कौन याद करता है पिंजरे में बंद पंछियों को, याद वही आते हैं जो उड़ान भर जाते हैं। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि हमेशा लाइफ में आप एक टारगेट या एक गोल को लेकर रहें और हमेशा उसके प्रति हर दिन काम करें, चाहे वो आपका गोल कोई भी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, बिजनेस हो, एनीबॉडी कुछ भी चीजें हो, ठीक है, एनीथिंग। लेकिन आप उसके प्रति हर एक दिन, चाहे वो एक मिनट, पांच मिनट, दस मिनट या एक घंटा या दो घंटा, आप उसके प्रति कुछ ना कुछ काम जरूर करें। उससे क्या होगा कि आपके गोल में कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी सारी कमियां हैं वो सारा खत्म होता जाएगा और आप उसके बहुत ही नजदीक पहुंचेंगे और एक दिन आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास इसी खूबसूरत लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं कि आज बहुत सारे सिंपल इंटरेस्ट के ऑसम क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हम क्वेश्चंस में अप्रोच करेंगे आंसर के लिए। हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस है सिंपल इंटरेस्ट के सभी प्रीवियस सवाल है। देखते हैं कि इस टाइप के सवाल को हम किस तरीके से बनाएंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस वो सवाल हैं जो लास्ट पिछले एक दो साल में पूछा गया है, 19, 20 या 21। कुछ क्वेश्चंस आपके एसएससी और कुछ जो है वो बैंकिंग अकॉर्डिंग भी है। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं किसी भी टॉपिक का। और मेरा हमेशा यही होगा कि मैं जिस कॉन्सेप्ट को लेकर आऊंगा उसी कॉन्सेप्ट के कुछ सेम क्वेश्चंस होंगे उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, जिससे क्या होगा कि आप किसी भी टॉपिक का एक टाइप का कॉन्सेप्ट आप उसे पढ़ के खत्म कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दिया हुआ है, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट वाई परसेंट पर एनम फॉर 3, 1/2 ईयर्स। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट वाई प्लस 4% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, इट वुड हैव फेस्ड रुपीज 4,452 मोर एज इंटरेस्ट। व्हाट इज द सम? तो हमसे ये कह रहा है कि हम एक बार जो है वो पैसा क्या करेंगे, y परसेंट से इन्वेस्ट करेंगे, कितने साल के लिए, 3, 1/2 ईयर्स के लिए। लेकिन दूसरे कंडीशन में कहता है अगर हम इंटरेस्ट क्या करें, 4% बढ़ा दें। पहले y पे इंटरेस्ट पे दे रहा है पैसा, लेकिन दूसरे कंडीशन में y प्लस 4% पे दे रहा है। तो आप यहां से एक चीज देख रहे हैं कि 4% ही तो ज्यादा दिया, आखिर रेट परसेंट जो है वो कितना है, 4% ज्यादा है। अच्छा, 4% ज्यादा है, लेकिन दोनों के लिए टाइमिंग कितना था, दोनों के लिए टाइमिंग जो है वो 3, 1/2 है। इसका मतलब इसके लिए भी 3, 1/2 होता, इसके लिए भी 3, 1/2 होता। तो हम कहते हैं कि इस कंडीशन में जब दे रहा है तो 4% ज्यादा है, तो 3, 1/2 का मतलब क्या होगा, 7/2, मतलब 7/2 ईयर्स के लिए ज्यादा मिलेगा। अब हम यही कह सकते हैं कि यहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा और यहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा, यहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 4% ज्यादा होगा, कितने साल के लिए, 7/2 ईयर्स के लिए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट हमारा कितना बढ़ जाएगा, तो 7 × 2 14% बढ़ जाएगा, 14% इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, जिससे कि हमारा दिया हुआ है कि इंटरेस्ट कितना ज्यादा हो जाएगा, 4,452। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट वाज द सम, सम क्या होगा, तो हम इसे कैंसिल कर लेते, 14 से ये कैंसिल हो जाएगा, 14 × 3 = 42, 1 × 5 आएगा ना, 2 × 5 आएगा तो 1 टाइम में, उसके बाद 11 × 2 तो 1, 8 टाइम में। तो अगर हम देख रहे हैं कि 1% का वैल्यू 318 है, तो 100% का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 31800, और यही हमारा क्या होगा, सम होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी कुछ परसेंट से दे रहा है, यहाँ पे भी y प्लस 4% से ज्यादा दे रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि इस कंडीशन में 4% हमें ब्याज ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये 4% कितने साल तक मिलेगा, 7/2 ईयर तक। दैट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमें 14% ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, और रुपीज में दिया हुआ है 4,452, तो 14% का कंपेयर करके मैंने 100% निकाल दिया, और SI में 100% जो होता है वो प्रिंसिपल आ जाता है। तो प्रिंसिपल हमारा सम कितना आ गया, 31,800 रुपीज, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं दूसरे सवाल को कि हमारा दूसरा सवाल क्या है आज। दिया हुआ क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ अ ईयर, एक साल के अंत में ही रिसीव इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल 3 केसेस। ये जो है वो इक्वल इंटरेस्ट
मिल रहा है इसे तीनों केसेस में। तीनों केसेस से इंटरेस्ट क्या है, सेम दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि 6% पे इसने कितने पैसा इन्वेस्ट किया था। तो देखिए हम करेंगे क्वेश्चन में क्या, हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लेते हैं पहला पार्ट ए रहा है, दूसरा पार्ट बी रहा है और तीसरा पार्ट सी रहा है। तो पहले वाले को किस रेट परसेंट से दिया गया, 3% से। तो हम कह सकते हैं ए का 3% जो है वो इक्वल होगा। बी का कितना परसेंट है, बी का 4% है। और अगर हम सी की बात करें तो सी का कितना परसेंट गिवेन है, 6%। अरे टाइम तीनों के लिए तो 1 ईयर ही है, अगर सभी जगह 1 से मल्टीप्लाई करें तो उतना ही रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि पहला पार्ट अगर ए रुपीज हो तो ए का कितना परसेंट ब्याज होगा, 3% ही होगा। बी का कितना होगा, 4% ही होगा। सी का कितना होगा, 6%। अगर ऐसा कहता कि ये जो है वो 2 साल के लिए दिया गया है तो हम क्या करते, सभी में 2 से मल्टीप्लाई करते, 1 है तो नहीं भी किए, अगर नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें टाइम से मल्टीप्लाई कब करना पड़ता, जब तीनों के लिए अलग अलग टाइम दिया हुआ रहता। अगर तीनों का टाइमिंग अलग अलग दिया हुआ रहता तो जरूरी था कि पहले टाइमिंग के साथ भी इसे मल्टीप्लाई करें, लेकिन अगर टाइमिंग सेम है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ से हम रेशियो फाइंड करने वाले हैं और रेशियो में अगर सेम चीजों से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 के जगह पे 3 ईयर्स भी रहता तो सभी में 3 से करते, अगर 2 रहता तो सभी में 2 से करते, लेकिन अगर इक्वल नहीं रहेगा तो हमें हर केस में टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, तो एबीसी का हम क्या कर लेते, रेशियो फाइंड कर लेते। तो रेशियो के लिए आप ऐसा करें, 3, 4 और 6, अगर हम एलसीएम देख ले तो कितना आ जाएगा, 12। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने, 4 टाइम्स में, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में। मतलब एबीसी का जो इन्वेस्टमेंट का जो हमारा रेशियो है वो आ गया 4:3:2 का। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 6% पे, मतलब सी में, इसने कितना इन्वेस्ट किया। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो 9 का वैल्यू ही क्या हो जाएगा, 9000। तो सी का हम देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, 2, तो रेशियो 2 का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज, और 2000 रुपीज ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है सर, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। समझना है कि टाइमिंग इक्वल दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है तो भी ठीक है, नहीं अगर दिया हुआ रहेगा इक्वल जैसा कि इसमें है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही सिर्फ परसेंट से कन्वर्ट कर लेंगे। अगर इक्वल नहीं दिया हुआ, अलग अलग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सभी में टाइमिंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा, कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। जैसा कि गिवन है हमारे पास, अ सम ऑफ रुपीज 5000 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल इंटू 2 पार्ट, such that the simple interest on the first part for 4 1/5 years at 6 2/3% per annum is double the simple interest on the second part for 2 3/4 years at 4% per annum. What is the difference between the two parts? हमसे पूछा है कि ये जो 5000 रुपए है दोनों को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस क्या है। तो हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो पार्ट गिवन है, चलो मान लेते हैं एक हमारा ए है और एक हमारा क्या होगा, बी होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ए का पहला पार्ट जो है वो दिया गया है कितने इयर्स के लिए, 4 1/5, इसको अगर हम क्या कर ले, 5 × 4 = 20 और 1 क्या आ जाएगा, 21/5 years के लिए दिया गया। अब ये जो है 21/5 years के लिए दिया गया, लेकिन किस रेट परसेंट से, तो इसे हम कह सकते हैं 6 × 3 = 18 और 2 20/3% से। ठीक है, लेकिन अगर हम बी के बारे में बात करें तो बी के बारे में क्या कहता है कि बी को जो है वो कितने इयर्स के लिए, 2 3/4, दैट मींस हम कह सकते हैं 11/4 years के लिए दिया गया, और किस रेट से दिया गया, इसे 4% के रेट से। ठीक है, और ये 20/3% था। तो हम ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन में पहला वाला जो कंडीशन है उसका ब्याज क्या रहता है, हमारा इंटरेस्ट डबल है, तो हम कह सकते हैं रेशियो क्या होगा दोनों का, 2:1 का होगा। ठीक है, पहले वाले से जो ब्याज मिलेगा और दूसरे वाले से जो ब्याज, उन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 का, क्योंकि पहले वाले कंडीशन में कह रहा है इंटरेस्ट क्या है, दूसरे वाले का दुगना है। तो हम क्या कर दिए, 2:1 का रेशियो ले चुके हैं। अब यहां से अगर हम इसे सॉल्व कर ले तो आप देख रहे हैं कि 3 से ये 7 टाइम में कैंसिल, 5 से ये 4 टाइम, 4 से 4 ये परसेंट से भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 2 से ये 2 टाइम में कैंसल हो गया। तो ए बाई बी जो है वो हमारे पास मिला क्या है, 11 यहाँ आ जाएगा और बी कितना आ जाएगा, 14।
तो हम यही देख रहे हैं कि ए और बी दोनों मिला के 11 और 14 है, तो हम कह सकते हैं कि रेशियो 25 का वैल्यू ही क्या होगा, 5000 होगा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 200 आएगा, तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस दोनों में कितने का है, 3 का है, 1 का वैल्यू अगर 200 है तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 600 रुपीज, और 600 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो सिर्फ मैंने क्या किया, ए और बी के बीच इंटरेस्ट का रेशियो बता रहा था, तो मैंने रेशियो अप्लाई कर दिया, जिससे हमें हमारे पास क्या आ गया, ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, जिससे मैंने लास्ट में रेशियो से कंपेयर करके दोनों का डिफरेंस बता दिया कितना आ जाएगा, 600 रुपीज। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जैसा कि गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कहता है अ सम लेंड आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 6076 इन 1 ईयर। ठीक है, कोई पैसा जो है इंटरेस्ट पे देने के बाद एक साल में ये कितना अमाउंट बन जाता है, 6076 एंड रुपीज 7504 इन 4 ईयर्स, और ये 4 सालों में जो है वो 7504 रुपीज हो जाता है। तो द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आर रेस्पेक्टिवली, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया और कई बार पूछे जाते हैं हमेशा बहुत सारे एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसआई का और सिंपल है एकदम। देखो क्या करेंगे, वैसे भी टॉपिक तो पढ़ ही रहे सिंपल इंटरेस्ट, तो हार्ड तो कुछ हो नहीं सकता, सारा सिंपल ही रहेगा, जब टॉपिक का नाम ही सिंपल है तो टफ होने का कोई केस ही नहीं। ठीक है, और अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम 70-80% क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग की हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, लगभग 80% क्वेश्चंस जो है वो सेकंड्स में बनते हैं, 10-20% क्वेश्चन ही होते हैं जिसमें कि हमें मिनट का टाइमिंग देना पड़ता है। अगर हमारे पास तरीके अच्छा हो, स्मार्ट हो और कैलकुलेशन स्किल अच्छा हो, तो हमें प्रिपरेशन करने में या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइमिंग नहीं लगता है। ठीक है, आज के डेट में करोड़ों स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि कौन कैसे करता है, किसके पास कैसा डायरेक्शन है, किस दिशा में कौन जा रहा है। ठीक है, मंजिल सभी के पास है, लेकिन रास्ता कौन कितना अच्छा चलेगा उसी को मंजिल मिलेगा, तो मैटर करता है। इसीलिए आप लोग तैयारी जो है बहुत अच्छे से करें, एक स्मूथ वे में, और डेली प्रैक्टिस करें, ये चीजें बहुत मैटर करती है कि आज पढ़े, आज चलो 8 घंटा पढ़ लिया, अगले 4 दिन पढ़ेंगे ही ना, तो पता है क्या होगा, आपने जो 8 घंटा आज पढ़ा उससे आपका माइंड अगले 4 दिनों में कुछ कुछ भूलता रहेगा, लेकिन अगर आप डेली चीजें पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस वे में आपका मल्टीपल में बढ़ता है। ये बातें मैंने पहले भी आपको बता रखी है। ठीक है, कुछ भी चीजें अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा वो मल्टीपल में मिलेगा। ये नहीं कि आज आप 10 मिनट पढ़ रहे हो, कल भी आप 10 मिनट पढ़ो तो पता चलेगा, अगर 10 दिन के बाद आप 11वें दिन 10 मिनट पढ़ोगे ना, तो उस 10 मिनट में पहले डे के कंपेयर में आप कम से कम 4 गुना ज्यादा क्वेश्चन हो, सिलेबस हो, आप पढ़ चुके होगे 3 या 4 गुना ज्यादा। इसी के कारण हम कहते हैं कि ये मल्टीपल में पढ़ता है। ठीक है, आप पहला दिन अगर जीएस पढ़ रहे हो, 50 क्वेश्चन याद करो, हो सकता है आपको 2 घंटे लगेंगे, लेकिन आप 20 डेज कंटिन्यू करो, फिर आप जब 21वें दिन याद करने बैठोगे तो वो 50 क्वेश्चन आई थिंक 50 मिनट्स भी नहीं लगेगा और वो याद हो जाएगा। और चीजें क्या होती है ना, आपका माइंड जो है वो रिकवर करने लगता है। क्या है ना कि पढ़ने से ऐसा नहीं है कि हमें सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, पढ़ने से क्या होता है, हमारा दिमाग तेज होता है। ठीक है, बस इसीलिए पढ़ा जाता है, हमारा दिमाग का सोचने का क्षमता हो, इसका काम करने का क्षमता ज्यादा हो। ठीक है, क्योंकि काम करने का क्षमता अगर हम देखते हैं, अगर हम कहते भी हैं कि एक बैंक पीओ है और एक किसान है मजदूर में, काम करने का क्षमता किसका ज्यादा है, तो बात करेंगे काम करने का क्षमता जो है वो किसान का ज्यादा है, नोट की बैंक पीओ का है या मैनेजर का है, लेकिन मैटर करता है कि कौन अपना वर्क जो है वो हार्ड तरीके से कर रहा है और कौन इंसान अपना वर्क स्मार्ट तरीके से कर रहा है। लेकिन एक बात है कि अगर जिंदगी भर स्मार्ट वर्क करना है तो एक बार तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, और अगर आप सोचते हैं इन सब चीजों से कि नहीं इतना हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो फिर जिंदगी भर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर ऐसा हो सकता है कि स्मार्ट वर्क करने मिले, मतलब अगर करने की कोशिश भी करें फिर भी हमें उसमें बहुत ज्यादा दूसरे जो चीज हम चाहते हैं जिंदगी में वो नहीं मिल पाता, इसलिए हमें दूसरी चीजें हार्ड लगती है। इसलिए कई बार होता है कि जिंदगी में हम कुछ चीजें ज्यादा प्रैक्टिस करें, पढ़ने के टाइम पे सही से पढ़े, तो इसके बाद क्या ना कि आगे जिंदगी में आपको जो भी करना है वो एक स्मूथ वे में चलेगी। कहीं भी जैसे हम क्वेश्चन ही बनाते हैं, अगर आपके पास कंटेंट कॉन्सेप्ट अच्छा है तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है बनाने में, और अगर आपके पास ये तरीके नहीं है तो अच्छे क्वेश्चन भी खराब लगते हैं या माइंड इरिटेट हो जाता है। आप घर पे बैठो 15-20 क्वेश्चन बनाओ, मैथ्स का ऐसा ही प्रैक्टिस है, 15-20 क्वेश्चन बनाते हैं, 1 घंटा लगता है,
किताब कॉपी बंद कर देते हैं फिर छोड़ देते हैं। लेकिन यही अगर आपके पास एक घंटा बना और 40-50 क्वेश्चन एक घंटे में बन जाए, तरीका बहुत अच्छा है, तो फिर बड़ा मजा आता है, पढ़ने का भी एक अलग ही मजा है। ठीक है, तो चलिए इसी लाइनों के साथ ये क्लास क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। ठीक है, हमेशा अपने पढ़ाई पे फोकस रखें, कंटिन्यूअस वे में करें। ठीक है, चीजें बहुत आसान लगेगी, इतना टफ भी नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि दिया हुआ क्या कह रहा है कि कोई पैसा जो है एक साल में 6076 बन जाता है। कितना बन जाता है? 6076। तो हम ये देख रहे हैं कि वन ईयर में अमाउंट जो है वो वन ईयर में कितना आ गया है, 6076। और इसके बाद कहता है कि चार सालों में यही अमाउंट जो है वो हमारा चार सालों में, फोर ईयर्स में, ये कितना हो जाता है? तो हम ये देख रहे हैं ये बन जाता है 7504। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ एक साल में इतना हो गया, ये चार साल में, इसका मतलब ये जो है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, ये भी जो है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट जो है वो एक साल का है, इसमें इंटरेस्ट जो है वो चार साल का है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जो पैसा बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, प्रिंसिपल बढ़ा नहीं बढ़ा, सिर्फ क्या बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा। तो इंटरेस्ट कितने ईयर्स का बढ़ा, तो इंटरेस्ट जो है वो 3 ईयर्स का बढ़ा। तो माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 14 - 6 = 8, उसके बाद 9 - 7 ये 2, और ये क्या रहेगा, 4 - 0 = 4, 7 - 6 1428 का इंटरेस्ट आया। तो हम ये देख रहे हैं कि तीन साल में इंटरेस्ट जो है 1428 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक साल का इंटरेस्ट क्या होगा, तो 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 टाइम में, फिर 7 टाइम में, उसके बाद 6 टाइम में, एक साल का जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना हो गया, 476 रुपीज। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो 6076 है इसमें अगर 476 एक साल का इंटरेस्ट माइनस कर ले तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, 6076 में से 476 माइनस कर लेंगे तो आ कितना गया हमारे पास, 5600 रुपये, और यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब हमसे एक चीज़ और पूछा है, रेट परसेंट। तो हम जानते हैं कि रेट परसेंट SI में क्या होता है, SI का जो रेट परसेंट है वो होता है SI ऑफ वन ईयर, एक साल का इंटरेस्ट ही हमारा क्या बन जाता है, रेट परसेंट। तो हम कह सकते हैं कि 476 रुपीज़ जो है वो 5600 का कितना परसेंट होगा, तो अगर कैलकुलेट कर ले, 7 से कैंसिल कर लेते हैं, 7 से ये 8 टाइम में, 7 से ये 6 टाइम में, 5 + 6 = 8, उसके बाद 4 से देख रहे हैं तो ये 2 टाइम में, 4 से ये 17, तो 17/2 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8.5, और 8.5% ही हमारा क्या होगा, रेट परसेंट पर एनम। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल जो है वो कितना, 5600 रुपये आ चुका है, और रेट परसेंट 8.5%। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन क्या कहता है। जैसा कि गिवन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th में, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स ऑन आ सम होगा, ये 9 नहीं होगा, ऑन ये ऑन अ सम, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स ऑन अ सम ऑफ ₹2800 इज ₹420। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3200 फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। कह रहा है क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3 सालों का दिया हुआ है, ₹420 है। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ₹2800 का 3 साल में जो है वो कितने साल में बता रहा है, 3 ईयर्स में, हमारा ब्याज जो है वो कितना मिल जाता है, इंटरेस्ट ₹420। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ₹3200 का सेम टाइमिंग के लिए, मतलब जो 3 साल के लिए है बाद में भी दिया हुआ है, सेम पीरियड मतलब सेम टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए कितना इंटरेस्ट होगा। और यहाँ तक ये भी कह रहा है कि रेट हमारा क्या होना चाहिए, सेम जो पहले था उसी कंडीशन से। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ हम ऐसा कर ले कि हम इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। 28 और 32 का रेशियो क्या आएगा, 7
और 8 का। तो आप एक चीज देखो, रेशियो 7 का वैल्यू कितना है, 420। ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि टाइमिंग और रेट क्या है, सेम है। अगर टाइमिंग और रेट सेम है तो जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा वही इंटरेस्ट का रेशियो होगा, ठीक है। ये चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें जानना है हमें सब्जेक्ट के अंदर, जिसके कारण क्वेश्चंस को हम बहुत आसान कर सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल का रेशियो यही हमारा इंटरेस्ट का रेशियो होगा। तो 7 का वैल्यू अगर 420 है तो हम देख रहे हैं 7 × 6 हो जाता है, जीरो लगा हुआ है। तो यहाँ भी कर लेते 8 × 60 करते, 8 × 6 कितना 48, कितना पैसा आ जाता है 480 रुपीज। और 480 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ना तो हमें रेट से मतलब है, ना हमें टाइम से मतलब है, क्योंकि रेट और टाइम सेम दिया हुआ है। तो हम क्या कर लिए, इन दोनों का ही रेशियो बता दिए। जो प्रिंसिपल का रेशियो रहेगा वही क्या होगा, इंटरेस्ट का रेशियो होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड में ला सकते थे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, असर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years वाज 1/4 टाइम्स द अमाउंट विच इट हैड ग्रोन इन 3 years। अब क्या है क्वेश्चन में कि हमारा अमाउंट जो है 1/4 टाइम्स हो जाता है। 1/4 टाइम्स होने का मतलब है 5/4 टाइम्स हो जाना। किसका ये अमाउंट जो है 1/4 टाइम्स हो जाएगा, कब हो जाएगा, 5 सालों में, लेकिन होगा किसका, 3 सालों में। इसका मतलब है कि एक बार 3 years का इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा और एक बार जो है वो 5 years का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब कह रहा है कि अगर हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देखें 3 सालों का, तो अगर ये 4 होगा तो 5 years वाला जो है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही कह रहा है हमारा कि अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years वाज 1/5। 5 years वाला जो है वो क्या हो जाएगा, 4/4 का मतलब 5 हो जाएगा। तो 3 years वाला कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। हम सिर्फ इसको ऐसा कर लें कि 5 को 500 बना लेते हैं और ये 4 को 400। तो आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो है वो बढ़ा कितना है, 100 बढ़ा। ये कितना बढ़ा हुआ है, अगर ये 100 बढ़ा हुआ है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 100 बढ़ा है, देखो प्रिंसिपल तो दोनों में है, सिर्फ क्या बढ़ा है, 2 साल। तो हम यही कह सकते हैं कि ये 2 साल का जो है वो SI है। 2 साल का SI हमें कितना दिख रहा है, 100। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 year का SI कितना आता, तो 1 year का SI कितना आता, 50। तो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज। तो हम यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या आ जाता है, कहीं से भी कर सकते हैं। ये जो 400 है, 400 में 3 साल का क्या है हमारा, SI इंक्लूड है। तो हम कह सकते थे कि 400 में माइनस कर लेते 3 × 50, इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल जो है वो कितना आ जाता, 250। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो 50 का है, कहाँ से है, 250 से है। तो इसे परसेंट में बदल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से ये 20 टाइम में। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा रेट परसेंट कितना आ गया, 20%। और 20% भी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हमेशा ऐसे क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे। देख रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था, सिर्फ एक रेशियो था, लेकिन रेशियो से मैंने क्या किया, नंबर मान लिया 400 500। अब 100 रुपीज जो है वो ओनली 2 years का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो 1 year का इंटरेस्ट जो है वो 50। 3 years का अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो 250, अगर आप यहाँ से माइनस करते तो 5 years का करना पड़ता है 250, फिर भी 250 ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 2 equal sum वर लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 6% and 10% पर एनम रेस्पेक्टिवली। द फर्स्ट सम वॉज रिकवर्ड 2 years लेटर देन द सेकेंड सम एंड द अमाउंट इन ईच केस ₹1105। ये बड़ा अच्छा चीज दिया हुआ है कि एक जो है वो 6% पे दिया हुआ है और दूसरा जो है वो 10% पे है। कह रहा है कि पहला वाला इंटरेस्ट जो हम रिकवर करते हैं वो 2 साल बाद करते हैं, कब, जो दूसरा वाला रिकवर किया, अगर दूसरा वाला इंसान को हम जो पैसा दिए उसे मान लेते हैं 10 साल के लिए दिए, तो हम पहले वाले इंसान से कितने सालों के बाद रिकवर करेंगे, 10 और 2 12 साल। मतलब हम दो आदमी को पैसा दिए, एक आदमी से जो दूसरा आदमी है
उससे जितने भी ईयर्स में हम अपना पैसा रिकवर करेंगे, पहले आदमी को उसे 2 साल का टाइम ज्यादा देंगे, यही कह रहा है। लेकिन कंडीशन यही पे है, दोनों का रेट भी अलग है, दोनों के टाइमिंग में 2 ईयर्स का डिफरेंस होगा, लेकिन कंडीशन है कि दोनों का इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? और हमसे पूछ रहा है कि दोनों कंडीशन में हमारा सम क्या रहा होगा। तो देखिए, हम इतना ही करेंगे कि हमें दिया हुआ है 6% पर और किस पर, 10% पर। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसआई का, कुछ करना है नहीं, हमें इसका एलसीएम फाइंड कर लेना है, कितना आ गया 30। अब ऐसा क्यों किए, देखो 6 × 5, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 6 × 5 30 होता है, 10 × 3 भी 30 होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो है वो 5 ईयर्स के लिए रहा होगा और ये जो है वो 3 ईयर्स के लिए रहा। तभी तो कह रहा है कि फर्स्ट वाला जो है वो सेकेंड वाले से कितना साल पहले, 2 साल, फर्स्ट वाला जो है वो सेकेंड वाले के 2 साल बाद रिकवर करेगा, इससे 3 साल में ही पैसा रिकवर कर लेगा और इससे 5 साल में करेगा। लेकिन दोनों से मिला के हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 30% ही। तो हम क्वेश्चन में बस इतना करेंगे कि यही 30% का जो वैल्यू है वो क्या है, 1105 है, 1105, सॉरी, ये कह रहा है ये अमाउंट बन गया। तो हम ये देख रहे हैं कि 30% अगर इंटरेस्ट है तो अमाउंट बन गया है, तो 100% तो हमारा प्रिंसिपल होता है ना, अगर 100% हमारा प्रिंसिपल होता है और 30% इंटरेस्ट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 130% हमारा क्या हो जाएगा, 1105। 13 से अगर इसे कैंसिल कर लेते तो 13 से ये कैंसिल हो जाता, 13 × 8 104 और 6 × 5, मतलब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो है वो 10% 85 है, तो 100% क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा 850 और 850 rupees हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सिर्फ मैंने ये किया, दोनों का एलसीएम लिया, 30% हमारा इंटरेस्ट है, अमाउंट कह रहा है 1105, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 30% इंटरेस्ट और 100% हमारा प्रिंसिपल दोनों मिलके 130 हो जाएगा, तो 131105, तो 100% हमारा कितना आ गया, 850 और 850 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, सम ऑफ मनी वाज लेंट इन टू पार्ट इन द रेशियो 4:5 एंड 4 ईयर्स एंड 5 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, बोथ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द टू पार्ट्स इज ₹4,680। दिया हुआ है दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है इंटरेस्ट का, ये हमें बता रहा है क्वेश्चन में हमारे पास कितना है, 4,680 है, तो हमसे टोटल सम पूछ रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि दो पार्ट मान लेते हैं, चलो ए और बी जो है, इस पार्ट में पैसा दिया गया 4 और 5 के रेशियो में। अब ये बता रहा है कि पहले वाले को कितने साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए, और दूसरे वाले को कितना, 5 ईयर्स के लिए। लेकिन हमें ये कह रहा है कि दोनों ही कंडीशन में रेट परसेंट जो है वो कितना दिया हुआ है, 8%, यहाँ भी 8% है और यहाँ भी 8% है, लेकिन हमें दोनों से डिफरेंस बता रहा है कितना, 4,680 rupees है, तो हमसे टोटल सम पूछ रहा है। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो 4 और 5 था इसे आप बना ले 400 और इसे बना लेते हैं हम 500, मतलब हम रेशियो में क्या कर लिए हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई। तो आप 400 से जब आप इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 × 8, 16 × 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 128, ये आ गया 128। अगर हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते तो 5 × 5 25 × 2 करेंगे, 25 × 8 करेंगे तो 200। तो अब हम कह रहे हैं ये जो हमारा आया है वो क्या आया है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में दोनों का डिफरेंस कितने का है, 72 का है। अगर इंटरेस्ट में डिफरेंस 72 का है तो हम कह सकते हैं इसी 72 का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, 4,680। तो हमसे टोटल सम का वैल्यू पूछा, ऐसा करते हैं कैंसिल कर लेते हैं, जैसे अगर हम 9 से डिवाइड कर लें तो 8 × 9 से जो है ये 5 और ये 2, 5 × 0, और अगर हम 8 से डिवाइड कर ले तो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम में, 8 से कितने टाइम में, 6 टाइम में, 48, 4 × 0, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 65। तो हमसे पूछा क्या है टोटल सम, तो टोटल सम मैंने कितना बना दिया, 400 और 500, 900। तो 900 का जो वैल्यू होगा हम मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 4 =
58, तो हमारा जो आंसर है कितना आ गया 58,500, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमें दिया हुआ क्या था, डिफरेंस दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया 4 और 5 को 400, 500 को मान के इसके अकॉर्डिंग मैंने इंटरेस्ट निकाला 128, यहाँ से निकाला 200, डिफरेंस कितने का है 72, जिसका कंपेयर किया तो 1 का वैल्यू 65, 900 का वैल्यू कितना आ गया 58,500, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी borrowed for 4 years at 9.5% per annum exceed the simple interest on the same sum for 3 years at 12.5% per annum by ₹225 then the sum borrowed। मतलब क्या रहा है, किसी पैसा को 4 साल के लिए 9.5 के रेट से दिया गया, 9.5 के रेट से कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, और दूसरे कंडीशन में इसी पैसा को जो है वो 12.5 के रेट से कितने सालों के लिए दिया गया, 3 सालों के लिए। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो हमें ब्याज मिलेगा इंटरेस्ट वो कितना होगा 38%, और यहाँ जो मिलेगा वो कितना होगा 37.5%। तो हम ये देख रहे हैं कि इस कंडीशन में हमें ब्याज जो है वो कितना ज्यादा मिल रहा है, यहाँ से ब्याज कितना ज्यादा है, तो हम ये देख रहे हैं ये जो है वो 0.5%, तो 0.5% का वैल्यू गिवन है हमारे पास कितना 225, तो 1% डबल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 450, 1% क्या हो गया 450, तो 100 के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे डबल जीरो रखते हैं तो 100% क्या हो जाता है 45,000, और 45,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से एसआई के डिफरेंट टाइप के सवालों को हम बना सकते हैं, और भी देखिए हमारे कुछ क्वेश्चंस के साथ क्या लॉजिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर एक और सीरीज बना देंगे एक दूसरे सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आप लोगों को इसका पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाए और समझ में आ जाए कैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से बनाना। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में अ सम ऑफ ₹12,000 वाज बोरोड एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद ₹6,004 वाज बोरोड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टोटल प्रिंसिपल वाज डबल। कह रहा है कि 4 महीने के बाद इसने ₹6,000 और कर्ज ले लिया, लेकिन अगला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो क्या कह रहा है कि वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है दैट ऑफ द प्रीवियस रेट, मतलब पहले जो रेट था उसका अब डबल हो गया है। तो हमसे पूछ रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर 2800 वाज पैड एज द इंटरेस्ट, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना पैड किया गया, ₹2800 पैड किया गया है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेट That was applicable in the initial, starting में जो रेट लगाया गया था वो क्या है। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं। स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि कोई आदमी जो है वो ₹12,000 का कर्ज लिया है 4 महीने के लिए, लेकिन 4 महीने के बाद ये इंसान ₹6,000 और कर्ज ले लेता है, और उसके बाद कहता है कि अगला जो ₹6,000 कर्ज लिया है अब इस पे जो है उसके बाद अब जो इंटरेस्ट लगेगा 4 महीने के बाद जो इंटरेस्ट लगेगा वो पहले वाले का क्या होगा, डबल होगा दिया हुआ। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टोटल प्रिंसिपल, अब जितना भी कर्ज हो गया, कर्ज उसके पास 12,000 पहले से था, 6,000 और ले चुका है, टोटल पैसा 18,000 का ब्याज लगेगा, लेकिन अब जो ब्याज लगेगा उसमें क्या होगा, डबल लगेगा पिछले वाले रेट से। पहले मतलब जितना इंटरेस्ट पे कर रहे थे अब उसका दुगना रेट पे करेंगे। तो अब हमसे पूछ रहा है कि एक साल में अगर हम ₹2800 ब्याज पे करें तो हमारा रेट क्या होगा, ये क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे और क्या हमारा तरीका होगा। सिर्फ हम ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में इस इंसान ने कितना कर्ज लिया, 12,000 का कर्ज लिया, 12,000 का कर्ज लिया, ये कितने महीने के लिए लिया, 4 महीने के लिए लिया। रेट पता है हमें, रेट नहीं पता, किस रेट से लिया है, एक्स परसेंट से लिया, ठीक है। 4 महीने के बाद ये 6,000 और ले लिया तो इसका कर्ज जो है वो कितने का हो गया, 18,000 का। इसका टोटल कर्ज जो है वो कितने दिनों तक रहा, 1 साल तक इसने पैसा रखा, 1 साल के बाद 2800 ब्याज पे किया, तो 4 महीने यहाँ पे है, इसका मतलब 8 महीने इसको ब्याज और देना है। लेकिन अब कंडीशन यही है कि पहले अगर एक्स परसेंट था
तो बाद में जो है वो हमारा रेट क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 2x%। और हमारा पैसा टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 2800। अब लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं कि 2800 ईयरली में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हम मंथली में कैलकुलेट किए हैं, तो इसे क्या कर लेंगे, इंटू 12 जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी मंथली में आ गए। या तो आप यहाँ क्या करते, 12 12 से डिवाइड करते तो उधर जाके 12 मल्टीप्लाई ही हो जाता है। अब यहाँ देखो चीजें कैंसिल कर लेना है, ये 00 यहाँ भी कैंसिल हो गया, ये परसेंट से 00 कैंसिल हो गया। अगर हम बात करें तो 4 और कैंसिल कर लेते, देखो 4 इससे कॉमन निकलता, 4 से ये कैंसिल हो जाता 2 टाइम में, और 4 से ये कैंसिल हो जाता इधर 3 टाइम में। अब हमारे पास बचा क्या, अब ऐड कर लेते हैं 120 और x, तो क्या आ गया है 120x प्लस, यहाँ अगर बात करें तो 180 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 720। ये आ गया 720x इज इक्वल टू, अगर उधर ऐड उधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा 8400। तो ऐड कर लें 720 और 120, तो क्या हो जाएगा 840x इज इक्वल टू इधर कितना है 8400। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, और यही 10% हमारा क्या आ गया, रेट परसेंट आ गया, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बहुत अच्छे से समझ के बनाना है क्वेश्चन को, और एक ही कंडीशन अप्लाई करना है एसआई में। एसआई में हमारा मेनली रूप से काम क्या होता है कि टाइम और रेट का मल्टीपल पे एसआई डिपेंड करता है। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे एसआई के किसी भी टाइप के सवाल में, जो कि बहुत ही इजी वे में हमें क्या करेगा, क्वेश्चन का आंसर हम किसी भी एसआई के क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं और आंसर बहुत क्विक फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों को।